YouTube चैनल आर्क नर्सिंग एकेडमी में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। विच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीकृत रक्त प्राप्त करता है, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, गेस करें। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, लेफ्ट ऑरिकल, बाया अलिंद, लेफ्ट ऑरिकल, ऑप्शन ए राइट है यहाँ पे। एक्सप्लेन देख लें इसका। मानव सहित सभी स्तनधारियों में अशुद्ध रक्त फेफड़े से ऑक्सीकृत होकर हृदय के बाएं अलिंद को शुद्ध रुधिर के रूप में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, दो नंबर आपके स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, गेस करें। हेमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, हेमेटोलॉजी का अध्ययन करते हैं, हेमेटोलॉजी का अध्ययन किस में करते हैं, तो राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, गेस करें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका, सॉरी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, हेमेटोलॉजी का जो अध्ययन है वो ब्लड में करते हैं, ब्लड के अंतर्गत हेमेटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। एक्सप्लेन देख लें। रक्त तथा रक्त वाहिकाओं का अध्ययन करना हेमेटोलॉजी कहलाता है, रक्त तथा रक्त जो वाहिकाएं हैं इनका अध्ययन करना हेमेटोलॉजी कहलाता है। इसके अंतर्गत रक्त स्वास्थ्य और रक्त विकारों का अध्ययन किया जाता है। हेमेटोलॉजी की स्थापना 1989 में की गई थी, हेमेटोलॉजी की स्थापना 1989 में की गई थी। आयरन की कमी, आघात से संबंधित समस्याओं, सिकल सेल एनीमिया इत्यादि के कारण होने वाले रोगों का इलाज, माइलोफिब्रोसिस का इलाज, आरबी से संबंधित समस्या का इलाज, अस्थि मज्जा और स्टेम सेल परिवहन से संबंधित समस्या का इलाज तथा थैलेसीमिया का इलाज हेमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हेमेटोलॉजी के जरिए हमारे शरीर में मौजूद रक्त की गणना की जा सकती है। सीरम फेरिटिन, फोलेट स्तर, विटामिन B12, एंटीग्लोब्यूलिन जैसे कुछ परीक्षण हीमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तीन नंबर आपके स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका। नॉर्मल डायमीटर ऑफ RBCs, लाल रक्त कणिकाओं का सामान्य व्यास क्या होता है, राइट आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, गेस करें। देखिए सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं जितने भी हैं, तो राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, गेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में ऑप्शन आंसर भी दिया करें। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, सेवन से एट यूनिट ऑफ माइक्रो म्यू होता है, यूनिट ऑफ म्यू। एक्सप्लेन देख लें इसका। लाल रुधिर कणिका अर्थात हीमोग्लोबिन के कारण लाल होती हैं, जो लाल रक्त जो कणिकाएँ होती हैं वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होती हैं। ये 7 से 8 UM अर्थात व्यास की गोल परिधि की होती हैं। इनका जीवन काल 120 दिन होता है, जो आपके RBC है इसका जीवन काल 120 दिन होता है, और WBC का जो जीवन काल होता है वो 1 से 4 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, चार नंबर आपके स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। वेयर आर हेमेटोपोइसिस फाउंड इन एडल्ट, वयस्कों में हेमेटोपोइसिस कहाँ पाए जाते हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर, किस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। वेयर आर हेमेटोपोइसिस फाउंड इन एडल्ट, किस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। तो क्या होगा ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन सी राइट है, रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो। वयस्कों में जो हेमेटोपोइसिस कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पे आप लाल अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। एक्सप्लेन देख लें। हेमेटोपोइसिस रक्त और रक्त प्लाज्मा के सभी सेलुलर घटकों का उत्पादन है, जो हेमेटोपोइसिस रक्त और रक्त प्लाज्मा के सभी सेलुलर घटकों का उत्पादन है। यह हेमेटोपोइटिक प्रणाली के भीतर होता है जिसमें लाल अस्थि मज्जा शामिल है। अगला क्वेश्चन है, पांच नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताएं क्या होगा, गेस करें इसका। व्हेन द कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन आर अननोन, इट इज कॉल्ड,
जब उच्च रक्तचाप के कारण अज्ञात होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? जब उच्च रक्तचाप के कारण अज्ञात होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, गेस करें। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए राइट होगा, प्राइमरी हाइपरटेंशन, प्राथमिक उच्च रक्तचाप। ऑप्शन ए राइट है, प्राइमरी हाइपरटेंशन। एक्सप्लेन देख लें, जब उच्च रक्तचाप के कारण अज्ञात होते हैं या फिर कोई माध्यमिक ज्ञात कारण नहीं होता है तो इसे प्राथमिक उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, गेस करें। द इम्यूनोग्लोबुलिन विच प्रोटेक्ट न्यूबॉर्न अगेंस्ट एंटेरिक इन्फेक्शन इज। इम्यूनोग्लोबुलिन जो नवजात को आंत संक्रमण से बचाता है वह क्या है? राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा, IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि नवजात को आंत के संक्रमण से बचाता है वो कौन सा है? तो IgA। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें, इम्यूनोग्लोबुलिन ग्लाइकोप्रोटीन कण है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये ग्लाइकोप्रोटीन कण है जो प्लाज्मा कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन ये किससे उत्पन्न होता है? तो यह प्लाज्मा कोशिकाओं से उत्पन्न होता है, इसे एंटीबॉडी भी कहते हैं, इसे एंटीबॉडी भी कहते हैं। जो आपका इम्यूनोग्लोबुलिन है इसे एंटीबॉडी भी कहा जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन IgA अर्थात म्यूकस मेम्ब्रेन के प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण है जो नवजात को आंत संक्रमण से बचाता है। अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर गेस करें क्या होगा इसका, राइट आंसर बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज एयर टू पास इनटू द लंग्स। निम्नलिखित में से कौन सा हवा को फेफड़ों में जाने की अनुमति देता है? राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, गेस करें। निम्नलिखित में से कौन सा हवा को फेफड़ों में जाने की अनुमति देता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, तो देखिए श्वास नली जो होती है आपकी ट्रैकिया, हवा को फेफड़ों में जाने की अनुमति कौन देता है? तो ये ट्रैकिया देता है, अर्थात श्वास नली। एक्सप्लेन देख लें इसका, श्वास नली अर्थात ट्रैकिया वह नली होती है जो गले में स्थित स्वर यंत्र अर्थात लैरिंग्स को फेफड़ों से जोड़ती है। स्वर यंत्र को लैरिंग्स कहा जाता है, ठीक है, जो फेफड़ों से जोड़ती है और यह मुंह से फेफड़ों तक हवा जाने का मार्ग है। अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, गेस करें। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज नोन एज। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में टूटने को क्या कहा जाता है? राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका। ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज नोन एज, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट होगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ऑप्शन सी राइट है यहाँ पे आपका। एक्सप्लेन देख लें इसका, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। जो आपका ग्लाइकोजन होता है उसका ग्लूकोज में टूटना अर्थात जब वो ग्लूकोज में टूट जाता है तो उसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहा जाता है। ग्लाइकोजन एक बहुसामूहिक पॉलीसैकेराइड है, बहुसामूहिक पॉलीसैकेराइड है जिसमें ग्लूकोज इकाइयां होती हैं। अब मनुष्यों में यह ग्लूकोज का प्रमुख भंडारण रूप है। जरूरत के समय ग्लूकोज का उत्पादन करने के लिए शरीर ग्लाइकोजन को तोड़ता है। जरूरत के समय ग्लूकोज का उत्पादन करने के लिए जो शरीर ग्लाइकोजन को तोड़ता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मांसपेशियों, यकृत और वसा ऊतकों में कोशिकाओं या कोशिकाओं के साइटोप्लाज्मा में होता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मांसपेशियों, यकृत और वसा ऊतकों में कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में होता है। अब यहाँ पे आप नोट देख लें कि ग्लाइकोजन के टूटने की प्रक्रिया साइटोसोल या फिर लाइसोसोम होती है। ग्लाइकोजन के टूटने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? साइटोसोल या फिर लाइसोसोम कहा जाता है, यह होती है। अब यहाँ पे नोट देख लें, प्रोटियोलिसिस पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस है। जो आपको प्रोटियोलिसिस पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस है जो प्रोटीन को एक साथ रखता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रोटीन उनके घटकों अर्थात पेप्टाइड्स और
पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में क्या होता है, टूट जाता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, गेस करें। पेप्टिक अल्सर का कारण होता है। राइट आंसर बताएं क्या होता है, पेप्टिक अल्सर का कारण क्या होता है, जल्दी से बताएं, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जीवाणु संक्रमण पेप्टिक अल्सर का कारण होता है। एक्सप्लेन देख लें इसका। पेप्टिक अल्सर पाचन तंत्र के स्तर पर घाव को कहते हैं। जो पेप्टिक अल्सर है ये पाचन तंत्र के जो स्तर पर घाव होते हैं उन्हें कहा जाता है। ये अम्ल की अधिकता के कारण आमाशय और आंत में होने वाला घाव होते हैं। जो अम्ल की अधिकता के कारण ये समस्याएं पैदा होती हैं, जो आमाशय और आंत में घाव हो जाते हैं। अल्सर अधिकतर ड्यूडेनम अर्थात आंत का पहला भाग है। जो अल्सर है वो आपका ड्यूडेनम अर्थात आंत का पहला भाग इसमें हो जाता है। जो आपकी आंत होती है, आंत का जो पहला भाग है उसमें क्या होता है, पेप्टिक अल्सर देखने को पाए जाते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक जीवाणु और एस्पिरिन जैसी ज्वर शामक एवं दर्द निवारक दवाइयां इसका सामान्य कारण है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। द सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड दैट सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस आर कॉल्ड। क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथि की कोशिकाएं जो जठर रस में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्रावित करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, गेस करें। देखिए ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट होगा, पेरिटल सेल भित्ती सेल या भित्ती कोशिका। ऑप्शन डी राइट है यहाँ पे। एक्सप्लेन देख लें इसका। जठर ग्रंथि की कोशिकाएं जो जठर रस में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्रावित करती हैं। जो आपकी जठर ग्रंथि है इसकी जो कोशिकाएं हैं वो जठर रस में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्रावित करती हैं उन्हें भित्ती कोशिका कहा जाता है। यह कोशिका आमाशय ग्रंथि और उदर कार्डिया में पाई जाती हैं। जो यह कोशिका है ये आमाशय ग्रंथि और उदर कार्डिया में पाई जाती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अत्यंत अम्ली होता है। जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है क्या होता है, अत्यंत अम्ली होता है, जो आमाशय में हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। जो आमाशय में हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करता है तथा पाचन में मदद करता है, सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, गेस करें। द लैरिंग्स इज क्लोज्ड ड्यूरिंग स्वेलोइंग बाय निगलते समय कंठ नली को या बंद कर देता है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, निगलते समय कंठ नली को कौन बंद कर देता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर गेस करें। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, एपिग्लोटिस कंठद एपिग्लोटिस। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है। एक्सप्लेन देख लें इसका। पाचन प्रक्रिया में चबाने के बाद भोजन अर्थात ग्रसनी फायरिंग्स एवं ग्रास नली ओसोफेगस से होते हुए आमाशय में जाता है। ये देखिए जो आपकी पाचन क्रिया है वो क्या है कि पाचन क्रिया में चबाने के बाद जो आप भोजन चबाते हैं उसके बाद ये भोजन जो ग्रसनी होती है अर्थात फेरिंग्स होती है उसके बाद ये यहाँ पे आता है ग्रास नली में ओसोफेगस में होते हुए कहाँ जाता है, ये आमाशय में जाता है। ग्रसनी के पास ही कंठ नली होती है अर्थात लैरिंग्स या फिर वॉइस बॉक्स जिससे हम लोगों की आवाज़ निकलती है अर्थात वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स जिससे आवाज़ थोड़ी मधुर निकलती है। ठीक है, जो आपकी कंठ नली होती है, ठीक है, वॉइस बॉक्स जिसे कहा जाता है ये होता है कहाँ पे होता है, ग्रसनी के पास में होता है कंठ नली लैरिंग्स अर्थात वॉइस बॉक्स होता है जो भोजन को निगलते समय कंठस्थ द्वारा बंद हो जाती है ताकि भोजन के कण कंठ नली एवं फेफड़ों में ना जाएं, कंठ नली एवं फेफड़ों में ना जाएं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, गेस करें। इन ह्यूमन बॉडी ग्लाइकोजन इज मेनली स्टोर्ड इन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, कोई भी वीडियो स्किप ना करें।
और पूरा वीडियो वॉच करें। इन ह्यूमन बॉडी ग्लाइकोजन इज मेनली स्टोर्ड इन, मानव शरीर में ग्लाइकोजन मुख्य रूप से कहाँ संग्रहित होता है? राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, लीवर। ऑप्शन सी राइट है, लीवर। मानव शरीर में ग्लाइकोजन मुख्य रूप से कहाँ संग्रहित होता है, इकट्ठा कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे इकट्ठा होता है लीवर में, अर्थात जिगर में आपके इकट्ठा होता है। एक्सप्लेन देख लें इसका, मानव शरीर में ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर हो जाता है। जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन है वो आपके लीवर में स्टोर हो जाता है। जब शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जब शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है तब या इसे यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित करता है, तब या इसे यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित करता है। ग्लूकोज का या संग्रहित रूप कई जुड़े ग्लूकोज अणुओं से बना होता है। किससे जुड़ा होता है? तो कह रहे हैं कि यह संग्रहित रूप, ग्लूकोज का संग्रहित रूप है, कई जुड़े ग्लूकोज अणुओं से बना होता है और इसे ग्लाइकोजन कहा जाता है, इसे ग्लाइकोजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका। व्हाट इज द ऑडियोफेजिया, व्हाट इज ऑडियोफेजिया, ऑडियोफेजिया क्या है? राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज ऑडिनोफेजिया है, व्हाट इज ऑडिनोफेजिया, ऑडिनोफेजिया का क्या मतलब है, गेस करें यहाँ पे राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी राइट है, पेन ड्यूरिंग स्वलोइंग, निगलने में दर्द। ऑडिनोफेजिया का मतलब होता है निगलने में दर्द या परेशानी। एक्सप्लेन देख लें यहाँ पे आप, ऑडिनोफेजिया में निगलने पर दर्द होता है, जो आपका ऑडिनोफेजिया है उसमें निगलने में दर्द होता है। दर्द मुंह या फिर गले में महसूस किया जा सकता है और निगलने में कठिनाई के साथ या फिर बिना कठिनाई के साथ या फिर बिना कठिनाई के भी हो सकता है। ऑडिनोफेजिया के परिणाम स्वरूप अक्सर शरीर का वजन कम होता है। ऑडिनोफेजिया के परिणाम स्वरूप अक्सर शरीर का जो वजन है वो कम होने लगता है। दवाओं, तंबाकू या शराब का उपयोग इसका मुख्य कारण होता है। जो आपको ये ऑडिनोफेजिया हो जाता है इसका जो मुख्य कारण है वो आपका मेडिसिन होती हैं, तंबाकू और शराब का सेवन, ये इसके मुख्य कारण हैं ऑडिनोफेजिया। इसमें क्या होता है कि निगलने में परेशानी होती है, मुंह में दर्द, गले में भी महसूस किया जा सकता है।